आपका अल्माइटी पब्लिक स्कूल में। जी हाँ, तो स्वागत है आपका अल्माइटी पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में, है ना। क्या मस्ती करो आप सुबह से, क्या क्या किया आपने? हमने एंकरिंग बोले और डांस किया। डांस कौन सा किया, कौन से गाने पे? जानू मेरी जान और काला चश्मा। काला चश्मा, काला चश्मा क्या? ओहो, काला चश्मा भी यहाँ तो लगाओ जरा, कैसा लगेंगे? ओए ओए, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है ना काला चश्मा। किस पे जचता है सबसे ज्यादा, किस पे जचता है? हाँ बताओ, मम्मा पे कि पापा पे? दोनों। दोनों पे पसंद कौन है ज्यादा, मम्मा की पापा? फेवरेट कौन है आपका? पापा। पापा फेवरेट है, मम्मा क्यों नहीं? मम्मा मारते हैं। ओह देख लो भैया, मम्मा आप इनकी देख रही है तो आप पापा के तो पॉइंट्स बढ़ गए, मम्मा की कम हो गया। आपको पापा, पापा अच्छे लगते हैं। और आपको? मम्मी। मम्मी देखो, मम्मी के फेवरेट भी हैं आप, है ना। और आपको? मम्मा। आपको ही मम्मा? आपको? दोनों। दोनों। अच्छा आप लोग कौन सी क्लास में? सेकंड में हो अभी तक? सेकंड में ही हो? अरे यार मेरे को तो लगा बड़ी क्लास। कौन सी क्लास में होना चाहिए था आपको? कॉलेज में जाना चाहिए था। तुमको कॉलेज में होना चाहिए था? वो देखो भाई, यहाँ सेकंड क्लास में बच्ची डाल दी, इसको कॉलेज में होना चाहिए था। वैसे आपको भी कॉलेज में होना चाहिए था। हाँ सारे कॉलेज जो पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर इसको देख लो, बच्चे कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं और आप लोग सेकंड क्लास में डाल के रखा है अभी तक। क्या करते हो, है ना? यस। और ये क्या पहना है आपने? कराटे ड्रेस। कराटे भी करते हो आप? इमारती पीटती हो तो नहीं क्लास में? नो। कुछ ऐसी तो नहीं करती शरारते? आप सब में सबसे शरारती कौन है? ओके ओके ओके। अच्छा ये बताओ, स्कूल में अल्माइटी स्कूल में आप लोग क्या क्या करते हो? मस्ती करते हैं, करते हैं, डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। कराटे भी करते हैं। कराटे क्यों सीखना जरूरी है? बड़े हमें मारने लगे, हमने मार देना उसको। तुमने मार देना उसको? हाँ। बताओ जरा एक बार करके। ओ बस बस, वो क्या किया, ये क्या किया, ये कौन सी भाषा थी? और वो तो देखो दूर जाके गिर गया पहले। हैं, ये कौन सी भाषा थी? तुमको भी आता है? तुम भी दिखाओ जरा एक। बस कर दिया कर दिया, मैं समझ गया, बहुत खतरनाक बच्चे हैं भाई। Our teacher, good touch, and bad touch, confidence, thank you. And each and every student come on the stage and recite words, thank you. School curriculum is tarah se banaya gaya hai ki bachchon ka sarvangin vikas ho sake. Is paathyakram mein padhai ke saath saath
भी विभिन्न प्रकार के कार्य भी करवाए जाते हैं जिन्हें बच्चे पूरी निष्ठा और रुचि से करते हैं। आज के जमाने में हमारे मान्य ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल के द्वारा हर विद्यार्थी को 10-15 मान्य ज्ञान के प्रश्न घर भी भिजाए जाते हैं, हर याद भी करवाए जाते हैं। धन्यवाद। आज स्कूल की सस्तेली उस कंबाशेष सी डा सी चांद अभिमान। थैंक यू। हमारे विद्यालय में हमें दूसरों की सेवा करना सिखाया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कुछ दिनों पहले केरल में बाढ़ के कारण त्रासदी मची थी। हमारे स्कूल में वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए कपड़े, पैसा आदि जैसा जरूरी सामान भिजवाया था, जिसमें प्रत्येक छात्र ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। धन्यवाद। About good and bad touch. For example, if a loved one touches hand, face, head, that's good touch. Bad touch. If someone touches our private part, that bad touch. Thank you. In our school, where different activities are being conducted. अध्यापक हमें अच्छी आदतों के बारे में बताते और सिखाते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस फंक्शन। थैंक यू एवरीवन। मगर तू छोड़ के सारे किंतु परंतु
तो देखिए मेरे साथ कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं और ये दुल्हा दुल्हन से बने हुए हैं। इन्होंने शेरवानी शेरवानी किसने दी आपको? किसने किसने लाई? मम्मी ने लाई। और क्या बोला कि आप ऐसे दूल्हा बनेंगे? फिर क्या किया आपने स्टेज पे? क्या किया? और ये खा क्या रहे हो आप? नेक्स्ट प्रशांत दिखा दिया इसने, बोला नहीं कुछ। अच्छा आप, आपका क्या नाम है? काव्या, ये बताओ ना कोई पोएम आती है आपको? कौन सी आती है बोलो जरा। एंड इन स्पोर्ट्स फर्स्ट इन सिंपल रेस, थर्ड इन लेमन रेस एंड थर्ड इन फ्लॉग रेस। आई लव यू किस में मिल गया दिव्यांश, किस में मिल गया एकेडमिक अवार्ड, यस फर्स्ट पोजीशन इन एकेडमिक, यस फॉर यू सेकंड पोजीशन। क्या बात है, शरारतें तो नहीं करती हो आप घर में? बोलो बाय, बोलो बाय मुंह से, जोर से बोलो बाय। और जोर से, सुनाई नहीं दिया। दर्द सो राती सुबह Dhara, 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 d
मोबाइल देख, तुम देखती हो? क्या देखती हो उसमें? कार्टून। कौन सा कार्टून? भीम। हाँ? भीम देखती हूँ। भीम? तुम भी भीम देखती हो? क्या आता है उसमें भीम में? भीम बनता है। और? कहने चम कलर का। चुटकी। और चुटकी क्या करती है? लड्डू देती है। लड्डू देती है। और कौन कौन है भीम में? क्या और कौन कौन होता है? कौन कौन? जग्गू क्या करता है? जग्गू कहने पैसे खाता है केला। पैसे खाता है? नहीं, हाँ पैसे केला खाता है। केला खाता है ना। ये क्या पहना है आपने सिर के ऊपर इतना खूबसूरत सा, दिखाओ मेरे को। वाओ, किसने लिया ये? ये मेरे को मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ये? देखो मेरे ऊपर लगा के देखो जरा एक बार। मैं बड़ा हो गया हूँ और यार नहीं छोटा हो गया हूँ मैं। देखो जरा फिर से लगा के देखो, एक बार लगा के देखो। आपके बाल तो बड़े हैं। ओहो, मेरे बाल बड़े हैं पर मुझे ये पसंद आ गया, मेरे को दे दो, ये खरीदना है मैंने। दे दो यार, कितने रुपए लोगी? आप फिर लेना। मुझे मिलता ही नहीं दुकान में ना, मैं गया हूँ कई बार मार्केट में पर मुझे नहीं मिलता। कौन सी दुकान में मिलेगा? अच्छा नहीं, बोलते क्या इसको, मेरे को दिखाओ जरा। अच्छा अभी खोल ही नहीं, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? जैसे ना। बच्चे अपने पिता से पैसे मांगते हैं। पर वह अपनी बेटी को ही पैसे देता है। अब धीरे धीरे लड़का बड़ा होता गया और वह नशे में पड़ गया।
तीनों बच्चे अपनी माँ से पैसे मांगते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह तीनों बच्चों को एक समान मानती है और तीनों को बराबर पैसे देती है। पर बेटा नशे की लत के कारण अपनी बहनों से भी पैसे छीन लेता है। अगले दिन बेटा अपनी माँ से पैसे लेने जाता है। लेकिन माँ उसे पैसे नहीं देती है और वह माँ से पैसे छीन लेता है। कुछ समय बाद नशे की लत के कारण लड़के की मृत्यु हो जाती है। लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी करके एक पुलिस ऑफिसर तो दूसरी डॉक्टर बन जाती है। फिर वह दोनों मिलकर अपने परिवार को खुशी खुशी संभालना शुरू कर देती है। दौर को अपनाओ, अपनी सोच पर पंख लगाओ। बेटियां हैं खुशी की चाबी, नहीं है जीवन की बर्बादी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उच्च विचार में कदम बढ़ाओ। धन्यवाद। तो एक बार फिर से हमारे साथ में बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं और देखिए बिस्किट खा रहे हैं ना। कौन सा इलायची की खुशबू आ रही है और इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? है बिस्किट खाने को बोला तो मेरे को हंसी आ गई, तुमको कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। और उसका तो देखो उसका पैकेट फटा ही नहीं अभी तक। क्यों भाई, बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है इसमें, इतनी शर्मा आ गई। देखो अच्छा ये हम लोग ना पोएम पूछेंगे आप लोगों से ना, तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा पहले आप ये बताओ कहाँ से आते हैं, आपका घर कहाँ है? हमीरपुर में। हमीरपुर में, अच्छा क्या करते हैं आप घर पे, क्या क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं बस, खेल कूद नहीं? खेल कूद भी करती हैं। चलो पोएम सुनाओ कोई, चलो इसकी पोएम सुनो तब। हम छोटे थे बड़े मोटे थे, मम्मा मारती थी हम रोते थे, पापा आते थे लड्डू लाते थे, हम मम्मा को चिढ़ाते थे। हाँ थैंक यू। मम्मा चिढ़ती थी हम चिढ़ाते थे, है ना? ऐसा भी करते हैं आप घर में? पापा लड्डू लेके आते हैं? नहीं तो क्या लेके आते हैं? क्या लड्डू? लड्डू। अच्छा आप कोई, मेरे पापा जीजी लेके आते हैं। जीजी। अच्छा आप कोई पोएम सुना रहे थे ना? आप सुना रहे थे कोई पोएम? हाँ बोलो। फलों का राजा मैं रहता, गर्मी के मौसम में आता, सबके मन को मैल जाता, खाए बिना कोई रह ना पाता, साल में उम्मीद करता मीठा मैं तो सच में इतना रसीला होता है आम। किस किस को पसंद है मैंगो? सबको पसंद है। देखो बच्चों झंडा प्यारा, तीन रंगों का मेल है सारा, कभी न करना इसका अपमान। जय हिंद। जय हिंद। ओके चलो सब लोग वहाँ कैमरे की तरफ देखो। जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला, तेरी जुनून की आगे अंबर पना ही मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही दो।
lady, you got rockstar. देखो जल गई ना, वन टू बकल माई शू, थ्री फोर शट द डोर, फाइव सिक्स pick up the sticks, 7, 8, lay down stairs, 9, 10, a week fat hand. Thank you. Thank you. ताली बजाओ उसके लिए. Claps. ये क्या नाम है आपका? आपका नाम नहीं बताया आपने. परेशान ठाकुर. परेशान ठाकुर बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी पोएम सुनाई. और हमारे साथ एक और क्यूट बेबी है और इनका नाम है शिवाली. शिवाली. पूरा नाम क्या आपका? शैली. शैली की शिवाली. शैली. अच्छा क्या करते हैं, कौन सी क्लास में आप? ये आपकी क्लास में? ये भी एलकेजी में आप? और ये आपकी क्लास में? इनका क्या नाम है? ये आपकी दोस्त हैं? आ जाओ आप भी आ जाओ. आप क्या खा रही हैं? बिस्किट. क्या क्या नाम है आपका? आरवी. वो देखो कैमरे की तरफ उधर. हाँ अब बोलो. आरवी नाम है आपका. और इसका क्या नाम है? शिवाली. ये क्या करती है? आपकी फेवरेट दोस्त है? ओके. क्या क्या करते हो आप साथ में? गेम खेलते हैं? सच में पंगा तो नहीं करते? झगड़ा सच में नहीं करते? नहीं करते. और ये बताओ ना कि स्कूल में क्या क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते स्कूल में. कुछ नहीं करते हैं? ओ यार पढ़ाई भी नहीं करते बच्चे है ना. वो पढ़ाई करते हैं? नहीं यार तुमने तो अभी बोला कुछ नहीं करते. पढ़ाई करते हैं ना? कितनी पढ़ाई करते हैं? इसने तो जीभ निकाल दी. जीभ क्यों निकाली इसने? कितनी करते हैं दिखाओ जरा हाथ से. ओ इतनी सारी पढ़ाई करते हैं. कभी बहन तो कभी बेटी, कभी माँ तो कभी पत्नी है नारी. पुरुष जिसके बिना असहाय ऐसी है नारी. कभी ममता की फुलवारी तो कभी राखी की क्यारी है नारी. सृष्टि जिसके बिना थम जाए ऐसी है नारी. पुरुषों की पूरी भीड़ पर भारी है नारी. जो सृष्टि को जलाकर राख कर दे वो चिंगारी है नारी. बेटी हो तो पिता की राज दुलारी ऐसी है नारी. माँ हो तो संतान के साथ हमेशा है नारी. बहन हो तो भाई की लाडली है नारी. जब पुरुष अकेला हो उसके साथ है नारी. सृष्टि जिस पर घूम रही है वह अधूरी है नारी. जब गर्भ में नहीं मारोगे तभी तो तुम्हारी है नारी. और जब नारी है तभी तो ये सृष्टि है सारी. सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं. ऊंचाई इतनी की पल में आसमान और सूरज को छू, गहराई इतनी की समुद्र के तल पर पलने लगे. गरीब को पल में अमीर बना दे ऐसी है नारी.
सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तो प्लस टू की गर्ल्स हमारे साथ खड़ी हैं और इनसे पूछेंगे कि कैसा लगता है इनको अपने स्कूल में और क्या क्या ये लोग करती हैं। और ये हमारे साथ हेड गर्ल है भाई, बड़े सम्मान की बात है कि मैं हेड गर्ल के साथ में खड़ा हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ही एक अच्छा मोमेंट है। और है ना, हेड गर्ल बनना कोई आसान काम थोड़ी होता है। कितने सारे इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं? आपने कितने लड़े? ओनली वन इलेक्शन। एक इलेक्शन लड़ा। और फ्यूचर में क्या प्लान है आपका करने का? फ्यूचर में मेरा ये प्लान है कि मैं सीए बनना चाहती हूँ। सीए बनना चाहती हूँ? आपने कॉमर्स लिया है? हाँ जी। आप सब कॉमर्स के? ओके, सीए। सीए क्यों? आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के, जो चलाती है स्कूल को, पूजा मैडम जो है सीए खुद है, उनकी वो भी आपके लिए एक प्रेरणा है? यस, उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये सोचा कि मैं भी इन फ्यूचर सीए बनूंगी। गुड, बहुत अच्छी बात है ना। तो जितने भी व्यापारी गण हैं जो देख रहे हैं अभी, देख लो भैया, फ्यूचर की सीए हैं, इनकी सेवाएं आप ले सकते हैं, है ना। टैक्स वैक्स जीएसटी वीएसटी है ना। अच्छा आप बताइए क्या कर रहे हैं आज परफॉर्म? आज भांगड़ा। भांगड़ा भांगड़ा क्यों, कोई और क्यों नहीं? और भी बहुत कुछ किया अभी, सबसे पहले सरस्वती वंदना की। आप बताओ भांगड़े में ऐसी क्या बात होती है कि मतलब हर स्कूल में बड़ा इंटरेस्ट से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? भांगड़े को करके जोश जो आता है वो अलग ही जोश होता है, और भांगड़े के गाने भी इतने अच्छे अच्छे होते हैं कि सभी का मन भांगड़ा करने के लिए उठता है। हाँ, और हिमाचल में पंजाबी गाने बहुत सुनते हैं। और आप भी, कौन फेवरेट आपका सिंगर? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह नहीं, पंजाबी सिंगर। जस्सी गिल। आपका? मेरा भी जस्सी गिल ही है। जस्सी गिल है यार, वो पुराना हो गया, अब तो गुरु रंधावा का टाइम नहीं है। नहीं है वो, मेरे को लगा था 20-25 साल पहले ही गाता था। गाने बड़े अच्छे गाते हैं अभी। गाने अच्छे गाते हैं, है ना। और आपका कौन फेवरेट है? हार्डी संधू। हार्डी संधू। और आपका? मेरा पंजाबी सुनते हैं कि हिंदी? हाँ पंजाबी। कौन फेवरेट है सिंगर? पंजाबी सिंगर में मेरे को जस्सी गिल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो स्मार्ट भी है, डैशिंग भी है, और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी आजकल है। वो भी तो है, वो क्या नाम है उसका, जस मानक जस मानक है, या है ना। उस पे तो मैंने सुना बड़ी, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उसकी है ना। आप बड़ी स्माइल कर रही है, क्या राज है इसकी? कुछ नहीं। उसका कौन सा गाना, कोई याद है कुछ? प्राडा। प्राडा वो भी बड़ा फेवरेट है लोगों का आजकल ना। सूट भी है। प्राडो। तो आप लोगों ने कभी पुराने जो पंजाबी सिंगर वो सुने, गुरदास मान हो गए हमारे, हंसराज हंस, उनको सुना है कभी? नहीं। दिलेर मेहंदी? नहीं। एक टाइम था, मैं आपको बता दूं, जब दिलेर मेहंदी के गाने बजते ना, कोई भी शादी ऐसी नहीं जाती थी, जब बोलो तारा रारा और वो सब ना बजता। आपने सुने होंगे शायद, है डांस भी किया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने गाया था ना। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। ओके, अब आपका परफॉर्मेंस देंगे हम। ओके, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਲਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬ ਦਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ Oh,
तक तेरा पतला जिया पतला जिया जब तोर दी सतारा बन खावे और निजी तोर कुड़िए और मुंडे आदि खुश कितों आवे नगनी दी रखवालिए क्लैप्स कर दो फिर से बस आपने क्लैप्स ही करनी है पोएम नहीं सुनानी कोई है। कौन सी रैम्पी चीज रैम्पी चीज हाँ जी आगे दिन करे ही मैरिज फिर आज अब लबी टू टीचर पर इट टाइटल यस यस और कोई गाना आता है कौन सा गाना पसंद है कौन सा कौन सा बोल रही है फिर से वो गाओ जरा जोर से जोर से जोर से सुनाई नहीं दे रहा है कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे तो सारा कुछ ऊपर से जा रहा है फिजिक्स की थ्योरम की तरह है ना पता है आपको फिजिक्स की थ्योरम मैथमेटिक्स की थ्योरम बजाते हैं ये वो बहादुर हैं जो रबड़ की तरह रबड़ पत्थर की तरह पत्थर मिट्टी की तरह मिट्टी ये हमारे और आपके बच्चे इनका प्रोत्साहन करना हमारा फर्ज बनता है जोरदार तालियां एक बार हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए एक बार फिर से इनके लिए स्पेशल तालियां हो जाए ये सिर्फ और सिर्फ चार दिन की मेहनत है ये आपके सामने ही है Yeah.
पेरेंट्स भी हैं कुछ, तो उनसे जानते हैं अल्माइटी पब्लिक स्कूल के बारे में कि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो उन्हें कैसा लगता है स्कूल में अपने बच्चे को भेजकर, और क्या वो फील करते हैं स्कूल के बारे में, सर आप बताएंगे?
जैसे आजकल स्कूल में एजुकेशन पे ही ज़्यादा पहले ध्यान रहता था स्कूल का जब हम पढ़ते थे, लेकिन एलिमेंट्री पब्लिक स्कूल का ऐसे मैंने देखा है कि सारी बच्चे की करिकुलर एक्टिविटी और ओवरऑल सारे इसमें डेवलप कराते हैं इनका, और बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत सीखते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस का बड़ा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। बचपन में पढ़ती है। हाँ जी, स्कूल तो बहुत अच्छा है और यहाँ पे हर एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, बच्चों को पढ़ाया अच्छे से जाता है, हर चीज़ का ध्यान दिया जाता है और बच्चों को जैसे हर चीज़ बहुत ही डीपली सिखाई जाती है, जैसे जो चीज़ें इनको प्लस टू के बाद सिखाने वाली होती हैं वो इनको अभी से जैसे टेस्टों की तैयारी और ये हर चीज़ करवा रहे हैं, जैसे हम इस स्कूल से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। व्यू बहुत अच्छा है, शहर से बाहर है, धूल मिट्टी वगैरह से बच्चे सुरक्षित हैं, पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान होता है यहाँ टीचरों का। जैसे मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है LKG में, लेकिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर स्कूल में जो करवाते हैं बच्चों को, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर पढ़ाई के रिलेटेड भी जो डेली डे बाई डे के क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन बच्चों को दिए जाते हैं, मॉर्निंग असेंबली में पर बच्चे की हर रोज़ अटेंडेंस लगती है और वो अपने जो तैयार करके आया होता है वो बताना पड़ता है उसको क्या उसने सीखा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर कुछ बच्चे को नया सिखाया है तो वो बच्चा हफ्ते बाद बताता है कि मैंने ये सीखा स्कूल से आज। सर, कैसा आपको लगा एलमाइटी पब्लिक स्कूल का फंक्शन? बहुत बढ़िया लगा। और ये स्कूल अभी अपनी शैशवावस्था में है, अभी 2015 में शुरू हुआ था, मगर इतने कम समय में ही इसने अपना एक नाम बना लिया है शिक्षा के जगत में। और आज का जहाँ तक कार्यक्रम था उसमें जो छोटे बच्चों द्वारा जो प्रस्तुतियाँ की गई वो बहुत ही सराहनीय थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से कार्यक्रम करवाना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। और जितने भी कार्यक्रम यहाँ किए गए उसके जरिए कोई ना कोई संदेश भी दिया गया, जैसे नशे के बारे में, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में यहाँ बहुत अच्छा संदेश दिया गया। और इस कार्यक्रम का जो इन्होंने थीम रखा था वही महिला सशक्तिकरण था, तो वो थीम भी बहुत अच्छा था और बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया गया। और जैसे कि यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें भी जो उन्होंने उपलब्धियाँ बताई तो बड़ी सराहनीय है कि इतने छोटे से कार्यकाल में ये जो स्कूल है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो मैं आगे भी कामना करता हूँ कि भविष्य में और भी सफलता की ऊँचाइयों को ये स्कूल छुए। Get a picture.